दोस्तों नमस्कार। किसी भी गहन मुद्दे पर छानबीन के लिए या फिर उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंचने के लिए हमेशा केंद्रीय सरकार की ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल पार्टी मीट में जो भी रियल सिचुएशन हो वो उभर के आए और सही जानकारी उन पार्टियों को पहुंचाई जाए और उनकी सलाह लेके सही निर्णय तक पहुंचा जाए। उसके साथ साथ अगर एक्सटर्नल अग्रेशन की बात हो, अगर दूसरे देशों से संबंधों की बात हो, तो हर एक पार्टी अपनी जो है पार्टी का जो घरेलू स्टैंड है जो विरोध का होता है उससे ऊपर उठकर काम करती है और उससे ऊपर उठकर सलाह देती है गवर्नमेंट को। कल भी यही हुआ, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई चाइना के साथ जो बॉर्डर एस्केलेशन हुआ है, लेकिन उसमें फिर से दो पार्टियों ने यह प्रूव कर दिया कि वो वाकई देशद्रोही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो देशद्रोही हैं। जैसा कि आपको शायद पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूं कि कांग्रेस का प्रश्न ये था कि आखिरकार ये चाइनीज पीएलए जो है इनके जवान कब, किस समय, किस घंटे, किस सेकंड अपनी सीमा में दाखिल हुए, सरकार को कब पता चला, जब घुसे तो पता चला या नहीं चला, नहीं चला तो क्यों नहीं चला, और उसके बाद रॉ और आईबी क्या कर रही थी, और उसके बाद उनका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत लेट करके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। देखिए, मीटिंग बुलाई ही तब जाती है जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो। अब क्या आप सोचते हैं कि अगर बॉर्डर पे एस्केलेशन हो, दोनों तरफ से सेनाएं आपस में खड़ी हैं हथियार लेके, और तब कोई इस राजमाता को जाके बताए कि माता ये हो गया है, अब क्या करना चाहिए, या फिर इसको कोई चिट्ठी लिखे और बताए कि इससे सलाह मांगे कि जी आप बता दो जी क्या करना है अब। मतलब इस राजशाही परिवार जो है, जो राजतंत्र में विश्वास करता है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे इनके घर जाके रिपोर्ट करते थे, अब वो आदत अब तक गई नहीं है दोस्तों। उस आदत को सुधरने में पता नहीं कितने जन्म बीतेंगे इनके, क्योंकि इनमें इनके दिमाग में जो राजशाही है वो निकल नहीं रही है कम से कम, और इस वजह से ये राष्ट्रद्रोह की तरफ बढ़ रहे हैं। और कल भी इनका जो चरित्र सामने आया है वो राष्ट्रद्रोह का है। इनको जो करंट सिचुएशन है वो जान के और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के बुलाया गया था, लेकिन ये खुद ही रण में उलझ गए। वैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मोटिव था सरकार का वो तो फुलफिल हो गया, क्योंकि बाकी सभी पार्टियों ने एक से एक शब्दों में चाइनीज पीएलए और शी जिनपिंग की वर्षना की, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री में पूरा विश्वास जताया, और भारत के प्रधानमंत्री उससे बहुत आश्वस्त हुए कि विपक्ष साथ है और जो राष्ट्रद्रोही है वो साथ नहीं है। तो हमें भी विपक्ष का साथ चाहिए था, भारतीय का साथ चाहिए था, अगर जो राष्ट्रद्रोही है उसका साथ ना मिले तो बेहतर है। दोस्तों कहा जाता है ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बट उस यूनिटी में अगर कोई एक सदस्य, उस यूनाइटेड इंडिया का एक सदस्य जो है वो पैर में लंगड़ी मार के गिराने वाला हो, तो उसकी यूनिटी में स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो वही कांग्रेसी हैं। उसके बाद आइए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सीपीआई सीपीएम दोनों की बात है। उनका जब चरित्र देखेंगे आप तो लगेगा, एक हमारे गांव में कहावत कही जाती है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। आए थे वो इंडो चाइना रिलेशन पे डिस्कस करने और वो शुरू हो गए कि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, इसलिए चाइना नाराज है। अब भारत किससे दोस्ती करेगा, कहां पे अपनी जो हित है उसको ध्यान में रख के उससे फ्रेंडशिप बढ़ाएगा, उससे सामान खरीदेगा, उससे जो कुछ भी लेगा, ये अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बताएगी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बताएगी? अगर आप इतने ही
आपकी सोच जायज होती तो आपको जनता इस कदर जूते की नोक पर रख के फेंकती ना। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सलाह जो है, ये जो जितने भी कम्युनिस्ट हैं ये अपने पास रखें, ये क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे थे इसलिए इनको बुलाना पड़ा। अदरवाइज मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने एक गलती की इनको बुला के, क्योंकि ये 1962 में भी खुलेआम गद्दारी कर चुके हैं और कांग्रेस इनके गद्दारी का जीता जागता सबूत है। जब 62 में युद्ध हुआ था तो इन्होंने कहा था कि ये एक युद्ध नहीं, ये पूंजीवाद और समाजवाद के खिलाफ युद्ध है, तो हम समाजवाद को सपोर्ट करेंगे। और वो जो है चाइना को सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन आर्मी के ब्लड डोनेशन तक को इन्होंने राष्ट्रद्रोह करार दिया था इन कम्युनिस्ट हरामखोरों ने। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे इन पार्टियों के यूनाइटेड इंडिया में ना आना ही भारत की जीत है। और जो कुछ भी हुआ आगे इस चीज का रिपीटेशन ना हो, इसलिए मैं आग्रह भी करूंगा कि इनको किसी भी मुद्दे पे आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए बुलाने की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि ये कब साथ रहे हैं देश के। आप सोचिए 370 एब्रोगेशन में ये उसके खिलाफ थे, एब्रोगेशन के जो कि चाइना भी खिलाफ था, तो उसमें चाइना कम्युनिस्ट और कांग्रेस तीनों सी ये खिलाफ थे। आप चले जाइए 370 के बाद, आ जाइए 3 तलाक पे, उस पे भी ये खिलाफ थे। उसके बाद आ जाइए आप जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे छोटे छोटे नक्सल ग्रुप्स थे, उनके साथ जो उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया गया डिफरेंट समझौतों के तहत, डिफरेंट एग्रीमेंट्स के तहत, उसके भी खिलाफ थे ये। उसके बाद जो अफगान नीति है भारत की, उस पे भी खिलाफ में है, जो कि अफगानिस्तान हमारे लिए पाकिस्तान और चाइना दोनों को टैकल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस पे भी खिलाफ थे ये। तो दोस्तों अब आप क्या चाहते हैं, इनको क्यों बनाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो ये चीजें हैं और इसको ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से, आपके साथ पूरी विश्व कम्युनिटी, भारत की 135 करोड़ आबादी का एक बच्चा कुछ राष्ट्रद्रोहियों को छोड़कर आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ें और हम सब आपके अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ लड़ेंगे, और इसका मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं, और हर एक बच्चा बच्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।